अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी विद फरहा। आज रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं दो तरह के पालक के पकौड़ों की रेसिपी, और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपके पालक के पकौड़े बिल्कुल बाजार की तरह क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1.5 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पर, और इसे मैं कलर चेंज होने तक रोस्ट करूँगी। ये एक ट्रिक है जिससे कि आपके पकौड़े बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे, अच्छे से क्रिस्पी बाजार जैसे पकौड़े बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे और बेसन को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये 1 कप बारीक कटा हुआ पालक लिया है मैंने, जिसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद काट लिया था। इसमें हम ये रोस्टेड बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और यहाँ पर मैंने 1/2 पैकेट सराय मैजिक का ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड करें, नहीं है तो ना करें। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें इस तरह से, और अब हाथ में थोड़ा सा पानी लें और इस तरह से डालें और इसे मिक्स करें। पानी हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी पालक में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए पानी बहुत कम डालें और इस तरह से बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। और इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, एक डो की तरह हमें इसे बनाना है। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से, इसी तरह से आप भी मिक्स करें। और ये देखते हैं, ये डो की तरह मैंने एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसी तरह का मिक्सचर रेडी करें आप पकौड़े बनाने के लिए। और ये मैंने तेल गरम किया है पकौड़े बनाने के लिए, और इसमें एक एक करके पकौड़े ऐड कर दें और इसे गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करेंगे। अब इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे और टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ये लीजिए जी, ये पालक के पकौड़े तो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह के पालक के पकौड़े बनाना बता रही हूँ। उसके लिए 1 कप बेसन लिया है मैंने, उसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, और ये मैंने 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 पैकेट मैच मसाला मैजिक का ऐड कर रही हूँ, और ये ऑप्शनल है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे, और इस मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, तो पानी इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने पहले मिक्स कर लिया है ताकि बेसन में कोई भी लम्स ना रहने पाए। अब हम उसमें उतना ही पानी ऐड करेंगे जितना कि हमें बेसन को पतला करना है, और फिर उसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो देखें आप, इस तरह से इतना ही गाढ़ा रखना है हमें बेसन को, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ पालक के पत्ते लिए हैं जिसके डंठल मैंने तोड़ दिए हैं और अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें रखा है। बड़े साइज़ के जो पालक के पत्ते होते हैं वो यूज़ करना है हमें ये पकौड़े बनाने के लिए। और ये एक पत्ता हम लेंगे और इस तरह से इसे बेसन में डिप कर देंगे, और सीधा हम इसे डालेंगे गरम गरम तेल में, और गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे दोनों साइड से। और ये देखिए, ये बढ़िया सा पालक का पकौड़ा रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड को ये वाला पकौड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी अब फ्राई कर लेंगे। जब तक ये पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये सारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, तो आप भी अपने घर पर ये दोनों टाइप के पकौड़े ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने थे आपके पकौड़े। अब मुझे दें इजाज़त, फिर हाजिर होंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।